ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्त, जैस्मिन को एक शैतानी जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया है। उस जादूगर ने एक आईने की मदद से शहजादे जुल्लन से बात करते हुए मैंने खुद सुना है। इसका मतलब जैस्मिन की जान खतरे में, हमें उसे बचाना होगा। पर कैसे? हम तो उस जादूगर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम तो ये भी नहीं जानते कि उसने जैस्मिन को अपने कब्जे में कैसे किया। मैं किसी को जानता हूं जो हमें सब कुछ बता सकती है। बता मेरे जादुई गुंबद अलादीन की जान, शहजादी जैस्मिन को क्या हुआ है? बताए सब कुछ जानने वाले उस मासूम शहजादी पर किसका साया है? उसे क्या हुआ है? कौन है वो शैतान जिसने उस पर ये जादू किया है? उसका चेहरा हमारे सामने ला, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? क्या बात है? जैस्मिन का चेहरा हमारे सामने ला। इसे गौर से देखो। क्या तुम इसी लड़की से प्यार करते हो? जी। उसके सर पर जो निशान है उसे देखो। ये कैसा निशान है? बर्बादी, सबकी बर्बादी। बर्बादी? ये क्या कह रही आप? ये मैं नहीं, ये निशान कह रहा है। ये निशान मैंने आज से पहले जैस्मिन के माथे पर कभी नहीं देखा। इसका मतलब जानते हो तुम? क्या? ये एक खास कौम की निशानी है, शैतानी कौम। पर जैस्मिन तो ज़ारनियाबाद के सुल्तान की बेटी है। अब तुम्हारी जैस्मिन कुछ और बन चुकी है। क्या मतलब? जैस्मिन के दिल और दिमाग को शैतानी ताकत ने अपने कब्जे में कर लिया है। आज पूर्णमासी की रात जैस्मिन पूरी तरह से शैतानी कौम में शामिल हो जाएगी। जैस्मिन शैतानों की कौम में शामिल हो जाएगी। मेरी जैस्मिन, मुझे जैस्मिन को बचाना है। इससे पहले कि वो पूरी तरह उन शैतानों जैसी बन जाए, मुझे उसकी असली पहचान उसे वापस दिलाना है। आप बताइए, मुझे जैस्मिन को पहले जैसे बनाने के लिए क्या करना होगा? बताइए ना, कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी जैस्मिन हर पल बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है? हर मुश्किल का हल होता है। इस मुश्किल का कोई हल नहीं, क्योंकि वो जिन शैतानी ताकतों के कब्जे में है उनसे लड़ना नामुमकिन। नहीं, मैं जैस्मिन को नहीं खो सकता। मुझे उसे बचाना ही है, कैसे भी करके मुझे उसे बचाना है। आप मुझे रास्ता बताइए। जैस्मिन की जान बचाने के लिए चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बहुत प्यार करते हो उससे, तो उसे सिर्फ तुम्हारा प्यार ही बचा सकता है। मैं
मैं समझा नहीं। प्यार के फरिश्तों की मजार पर जाओ और अपने प्यार के लिए दुआ मांगो। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर फरिश्ते खुश हो गए तो तुम्हारी जैस्मिन बच जाएगी। मुझ पर कैसा लग रहा है? आप तो जो भी पहनोगी बहुत खूबसूरत लगोगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच? क्या वाकई खुश है? हाँ, क्यों? क्यों? ये आप पूछ रही हैं? क्या आप भूल गई? क्या आपने अलादीन के साथ रहने की कसमें खाई थी? क्या आप ये भी भूल गई? अलादीन ने सिर्फ आपको पाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। खबरदार, खबरदार जो उस लड़के का नाम भी मेरे सामने लिया था। और तुम होती कौन हो? मेरे कमरे में आकर मुझे इतना सब कुछ सुनाने वाली? मैंने सोचा मेहमान बनकर तुम भी मेरी शादी में मुझे बधाई देने आई हो, पर तुम तो अपनी ही कही जा रही हो। ये है कौन? देखो, या तो तुम चुपचाप मेरी खुशी में शामिल हो या फिर निकल जाओ मेरे महल से। अलादीन, 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 नफरत हो गई मुझे इस नाम से। फरिश्ते, अगर मेरी मोहब्बत में जरा भी ताकत है तो उसके दम पर मेरी जैस्मिन को शैतानी ताकतों से बचा। अलादीन, अलादीन, दोस्त, ये नहीं हो सकता। नहीं!
शहजादी की रूह की लौ बिना मेरी इजाजत के कैसे आजाद हो गई? ऐसी कौन सी ताकत है जिसने उसे मेरे जादू से मुक्त कर दिया? अलादीन, दोस्त आंखें खोलो अलादीन, अलादीन, अलादीन आंखें खोलो अलादीन, अलादीन, अलादीन। लगता है ये किसी से बहुत प्यार करता है। हाँ बाबा, लेकिन इसका प्यार इससे छिनने वाला है। इसने अपनी दुआ में अपना सब कुछ डाल दिया, और तुम देखना ऊपर वाला इसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। शादी हो रही है? शादी? यानी आप मेरी और अलादीन की शादी करवाने के लिए राजी हो गए अब्बू? हाँ अब्बू, मैं जानती थी कि आप हम दोनों से किया हुआ वादा जरूर पूरा करेंगे। लेकिन अब्बू, अलादीन कहाँ है? कौन हो तुम? ये कौन है अब्बू? ये कौन है अब्बू जो अलादीन की जगह बैठा है? ये जुल्लन है, गुलिस्तान का शहजादा। आपको याद नहीं, जब आप खतरों से घिरी थी तो किसी ने आपकी जान बचाई और बड़े अदब के साथ आपको यहाँ लेकर आया। आप दोनों ने काफी वक्त साथ गुजारा, और जब जुल्लन ने आपसे शादी के लिए पूछा तो आप खुशी खुशी राजी हो गई। मैं अलादीन के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपको क्या हो गया है बेटी? अभी कुछ देर पहले तक तो आप इस शादी के लिए खुशी खुशी राजी थी। यहाँ मौजूद सारे लोग इस बात के गवाह हैं। जो फैसला आपने किया है वो बिल्कुल ठीक है। आपके लिए अलादीन से कहीं बढ़कर शहजादा जुल्लन है। क्या खाक बेहतर है? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया अब्बू कि मैं अलादीन को छोड़कर किसी और लड़के से शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी? आपने तो हमसे वादा किया था ना अब्बू कि अगर अलादीन शर्त पूरी करके वापस लौटा तो आप हम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर आप इसे कैसे बीच में ला सकते हैं अब्बू? बोलिए। मेरा यकीन कीजिए शहजादी, आपको मुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं आपको सारी जिंदगी अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। मैं सच कह रहा हूँ शहजादी, देखिए मेरी नाकों में, इनमें आपको सिर्फ मेरा बेइंतहा प्यार दिखेगा। शाबाश जुल्लन, शाबाश। इसी तरह अपने प्यार का इजहार करते रहो, और शहजादी जैस्मिन को अपने प्यार में फंसाकर फौरन यहाँ ले आओ, क्योंकि उसे अपनी कौम में शामिल करने के लिए जादूगर कैजाद खुद यहाँ आने वाले हैं। अगर ऊपर वाला भी आकर मुझसे
मुझसे ये कह दे कि मैं अलादीन को छोड़कर तुमसे शादी कर लूं, तो भी मैं नहीं करूंगी। और अब आप मुझे मजबूर मत कीजिए, वरना वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अलादीन की हूं और मैं शादी भी उसी से करूंगी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? कोई बात नहीं, मुझे लोगों को मनाने के और भी बहुत से तरीके आते हैं।